आज NSUI के द्वारा शासकीय स्वशासी महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य को कॉलेज में सुरक्षा चौकी सहित COVID-19 की व्यवस्था संबंधी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज महाकौशल महाविद्यालय में छात्र कांग्रेस द्वारा प्रचार महोदय को दो मुख्य बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्यतः हमारी मांग यह रही है कि सुरक्षा चौकी को लेकर जो NSUI मांग करती रही है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैडम को चेताया गया है कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर वो सुरक्षा चौकी जिस उपयोग के लिए बनाई गई है और उसका उपयोग वैसा ही नहीं हुआ तो छात्र कांग्रेस आने वाले समय में प्रदर्शन करने होते हुए बाध्य रहेगी। सबसे पहली बात तो सुरक्षा गार्ड को मेन गेट पर खड़ा करने की मांग कर रहे हैं हम। अपने अनुशासन समिति के साथ चर्चा करके इनकी जो मांग है पहली मांगी वाली उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी मांग इन्होंने कोविड सुरक्षा से संबंधित की है, तो कोविड सुरक्षा के लगातार हमारे महाविद्यालय में इंतजाम किए जा रहे हैं। थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइज़र और पूरे महाविद्यालय का सैनिटाइजेशन आप कभी भी देख सकते हैं। प्रतिदिन 11 बजे ना केवल महाविद्यालय का सैनिटाइजेशन होता है परंतु हमारे बाजू में जो लीगल सेल है, एक डिस्पेंसरी है और जो AD ऑफिस है उसका हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराते हैं। छात्रों का कहना है कि क्लास के बाहर भी वो एक सैनिटाइजेशन की बॉटल रखें, तो उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ पर एक कोई ऐसा व्यक्ति बैठे।